Welcome back, class 5. Let us start with subject science. Chapter first. ठीक है, topic self dispersion, lecture 10. Students, in previous lecture you studied about dispersion by water, dispersion by rain. ठीक है, ये सब आपने पढ़ा था. एंड डिस्पर्सन बाई एनिमल्स ये पढ़ा था. नाउ टुडे वी स्टडी सेल्फ डिस्पर्सन. ठीक है, सेल्फ डिस्पर्सन में स्टूडेंट्स, जैसा कि आप नेम से समझ रहे हैं कि सेल्फ डिस्पर्सन मतलब वो खुद से ही डिस्पर्स हो जाते हैं. जो प्लांट के सीड होते हैं वो खुद से ही डिस्पर्स हो जाते हैं. देखिए कैसे होते हैं. Fruits of plants such as balsam, geranium, pea, touch me not, burst open, ठीक है ना, और explode when dry, when they dry. मतलब जो seed इस plant के हैं कौन कौन से, balsam, geranium, pea, touch me not, ठीक है, ये ड्राई होने के बाद, इनके सीड जो है सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और एक्सप्लोड हो जाते हैं. ठीक है, तो सूखने के बाद बर्स्ट हो जाते हैं मतलब वो फूट जाते हैं. ठीक है, बर्स्ट हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं और फिर उसके अंदर जो सीड्स होती हैं वो सेल्फ डिस्पर्स हो जाती है, सेल्फ स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है. Now the seeds get thrown off. Seeds get thrown off. ठीक है ना, वो थ्रो हो जाते हैं, फैल जाते हैं in the air and after that soil and are scattered away from mother plant. Mother plant से वो scattered away हो जाते हैं, फैल जाते हैं. फिर देखिए agriculture topic है. The mass production of plants and animals for food एंड अदर purposes इज called एग्रीकल्चर. मास प्रोडक्शन, मास मीन्स बहुत बड़े पैमाने पर. ठीक है, बहुत ही बड़े पैमाने पर, मास मीन्स बहुत ज्यादा. ठीक है, मास मीन्स बहुत ज्यादा. तो बहुत बड़े पैमाने पे जो प्रोडक्शन होता है, किसका प्रोडक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल्स का. ठीक है, फॉर फूड एंड अदर पर्पस. प्लांट से हमको फूड मिलता है, एनिमल से भी फूड मिलता है. ठीक है, और कुछ अदर पर्पस के लिए भी हमको प्लांट और एनिमल की जरूरत पड़ती है. जैसे प्लांट से हमको फाइबर मिलता है, कॉटन फाइबर. ठीक है, एंड एनिमल से भी हमको क्या मिलता है, फाइबर मिलता है. कौन सा फाइबर एनिमल से मिलता है, ऊल फाइबर. ठीक है ना, ऊल, ऊन. तो इस तरह से हमको फूड भी मिलता है और अदर पर्पसेस के लिए भी हम एग्रीकल्चर इनका हम करते हैं. ठीक है, इनको पालते हैं, प्लांट एनिमल्स को हम पालते हैं और फिर उनसे हम फूल निकालते हैं, सिल्क निकालते हैं. ठीक है ना, सिल्क वर्म से सिल्क हमको मिलता है जिससे कि सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं. तो इस तरह से एग्रीकल्चर होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का. इन आवर डेली लाइफ वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हम अपने डेली लाइफ में स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, कई तरह के फूड क्या करते हैं, अब लेते हैं. एंड आल्सो वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स भी हम पहनते हैं. टू गेट दीज थिंग्स अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स. ठीक है ना, टू गेट दीज थिंग्स, ये सभी थिंग्स जो फूड है, जो डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स हैं, इन ये जो गेट दीज थिंग्स, ये सारे जो थिंग्स हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नीडेड. इनके लिए हमको बहुत बड़े पैमाने पर प्लांट्स और एनिमल्स की जरूरत पड़ती है. तो इस वजह से हम इनकी एग्रीकल्चर करते हैं और इनसे हम ऑब्टेन करते हैं फूड्स भी और सम अदर थिंग्स भी. नाउ देखिए एग्रीकल्चर के बाद क्रॉप. क्रॉप मीन्स फसल. क्रॉप मीन्स क्या होता है,
फसल। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? कृषि। क्रॉप मीन्स फसल। देन प्लांट्स आर द सेम काइंड, एक ही तरह का प्लांट, सेम काइंड एक ही तरह का प्लांट आर ग्रोन एट वन प्लेस, किसी एक प्लेस पर एक ही तरह का प्लांट ग्रो कराते हैं इन लार्ज स्केल, बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े पैमाने पर, तो इनको हम कहते हैं क्रॉप। ठीक है ना, इनको हम क्या करते हैं? क्रॉप करते हैं। ये आपका डेफिनेशन है, ठीक है? ये आपका एग्रीकल्चर का डेफिनेशन था। तो इस तरह से एग्जांपल, ऑल प्लांट्स ऑफ वीट मींस क्रॉप ऑफ वीट, अगर सभी प्लांट वीट के हैं फील्ड में तो क्या कहेंगे हम? क्रॉप ऑफ वीट, वीट की फसल, गेहूं की फसल। ठीक है, नाउ क्रॉप्स आर ऑफ वेरियस काइंड, क्रॉप्स जो है कई प्रकार के होते हैं, कई काइंड्स के होते हैं। कौन से? फूड क्रॉप्स, ठीक है, फाइबर क्रॉप्स एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। फूड क्रॉप से हमको फूड मिलता है, फाइबर क्रॉप से हमको फाइबर मिलता है, और ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप से हमको ऑयल मिलता है डिफरेंट काइंड्स के। यहाँ देखिए फूड क्रॉप्स में क्या होगा, जो हम फूड लेते हैं जैसे कि वीट, राइस, ग्राम, टी, मेज एक्सेट्रा, ये सभी किस टाइप के क्रॉप्स हैं? फूड क्रॉप्स। सेकंड फाइबर क्रॉप्स, जिनसे हमको फाइबर मिलता है, जैसे कि जूट फाइबर, कॉटन फाइबर, ठीक है ना, सिल्क फाइबर, ठीक है। तो इस तरह से फाइबर क्रॉप से हमको फाइबर मिलता है, जिससे कि हम क्लोथ बनाते हैं और भी सामान बनाते हैं। अब देखिए ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप, ऑयल प्रोड्यूसिंग से हमको ऑयल मिलता है, और वो ऑयल हमारे फूड में काम में आता है, जैसे कि पीनट, ठीक है ना, मस्टर्ड, सरसों, लिंसिड, ठीक है। तो इनसे हमको क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। तो इस तरह से ऑयल क्रॉप्स इनको कहा जाता है। तो आपने आज ये पढ़ा सेल्फ डिस्पर्सन एग्रीकल्चर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सो वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो टुडे thanks for watching the video.